क्यों पूछो, यही इम्पोर्टेंट वो है कि वो मेरा वेट करे, क्योंकि मैं अपने आप को सेलिब्रिटी मानता हूँ और अपने आप को सेलिब्रिटी ही मानो, क्योंकि आपका जो इस मानव जीवन में आया ना, हमारा हम पैदा हुए ना, तो हम कुछ ना कुछ मकसद से हुए, हमेशा आपको सोचना है कि मेरे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जो शब्द बता रहा हूँ ना, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है। क्या बोलना है, मैं सुबह उठ के आप सुबह उठ तो बोल के देखो, आपको 21 दिन में रिजल्ट आना चालू हो जाएगा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, मेरी सुख समृद्धि, जैसे कि आज चाय पी रहा हूँ तो जाके कहीं कॉफी पीऊंगा, ठीक है, आज समोसा खा रहा हूँ छोटा छोटा होटल में जाके बैठूंगा, ठीक है, तो मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, ठीक है। क्या बोलना है कि मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, समस्त ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मेरी मदद कर रहा है, या कुछ ऐसा कुछ ब्रह्मांड ही, जैसे भगवान, ठीक है, भगवान जो है मेरे जीवन को सफल बनाने में मेरा मदद कर रहा है। मैं 5 शब्द डेली प्रयोग करता हूँ, डेली, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, ठीक है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, ठीक है, मेरी सुख समृद्धि बढ़ रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत यूज़ करता हूँ। अब मेरे को यकीन है अपने आप पे कि मैं कर लूँगा, क्योंकि लोग सोसाइटी वाले बात किया, लोग बोलेंगे, ठीक, लोगों का काम है बोलना, ठीक है, लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना, ठीक है, लेकिन वो बोलेंगे उसको करके दिखाना आपका काम है, ठीक है, लोगों को बोलने के करके दिखाना आपका काम है। अब कैसे करना है, आप करने के करने के लिए सोचो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, माँ बाप यकीन नहीं करेंगे आपके, ठीक है, माँ बाप यकीन नहीं करेंगे कि आपको कुछ बड़ा करना है, आप बोल के देखिए, मम्मी मैं 2 साल बाद गाड़ी लूंगा, कैसे लूंगा नहीं पता है, ठीक है, लेकिन लूंगी गाड़ी, मम्मी यकीन नहीं करेगी, करना आपको है काम, कैसे आप गाड़ी लोगे, स्कूटी, अभी सोच के देखना, ठीक है, पैसा बहुत, दुनिया में पैसा बनाना बहुत ईजी है, मैं मानता हूँ पैसा बनाना इतना ईजी है ना दोस्त, ठीक है, हमको बोला पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, लोग बोलते हैं ना, सुने हो ना सब, पैसा पेड़ पे उगते नहीं है, पैसा को जमीन से नीचे उगाना पड़ता है, ठीक है, हम खुद उगाते हैं पैसा, पैसा दुनिया में एक ही चीज है जिसमें इतना पानी डालना पड़ता है, ना उसको घेरना पड़ता है कुछ आगे ना खादे करके, ठीक है, वो पैसा है, तो पैसा बहुत ईजी है, पैसा बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, आप चीज़ों को सीख लोगे ना, धन की रहस्य जान लोगे कि धन का रहस्य क्या है, कि कैसे धन कमाना है, कैसे पैसा बनाना है, कमाना ना, कमाना सब यूज़ नहीं करता, ठीक है, एक्चुअली मेरे को पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाऊंगा तो क्या है संतुष्टि आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, जो लगभग 95% लोग करते हैं, जो नौकरी पेशा आदमी है वो क्या करेंगे, क्या करेंगे बता रहे हैं, छोटा एग्जाम्पल ना, सब लोग नौकरी करना चाहते हैं लगभग, ओवरऑल मान के चलो जितने लोग बैठे हैं उसने परसेंटेज दे तो 90% नौकरी करना चाहते हैं सब, यस या नो, करना चाहते हैं ना, देखो नौकरी करना चाहते हो आप, ठीक है, आप नौकरी करो कोई दिक्कत नहीं है, हम कब तक सोचते हैं नौकरी करना, पता है, जब हमारी सोच जो है ना, ठीक है, ठीक है, मेरे मतलब इनसे मैं बहुत सीखा हूँ, देखा हूँ लाइफ एग्जाम्पल, तो क्या लोग पूछते हैं ना कि वो इंटरेस्ट वाली शब्द बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूँ ना, ठीक है, कि अभी भी ऊपर छत भी गिर जाए ना तो ये सोचूंगा कि ये कुछ मकसद से गिरा होगा, ये पंखा भी गिर जाएगा तो सोचूंगा कि पंखा कुछ मकसद से गिरा, कुछ अच्छा होने वाला होगा, मेरे साथ में इसलिए गिरा है, हो सकता है ये गिरा है तो कुछ और होने वाला था तो ये गिर गया, तो मैं इतना पॉजिटिव इंसान हूँ ना, पॉजिटिव की ना चरम सीमा पार कर चुका हूँ, मतलब पैर कर जाएगा ना, उसका सोचूंगा यार ये कुछ मकसद से हुआ है, उसके साथ में करना है मेरे को, ठीक है, ऐसा रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, इतना पॉजिटिव होगी ना क्या बताऊँ मैं, क्योंकि ये पॉजिटिव जो शब्द है ना, सकारात्मक सोच जो है ना, वो ना 4 दिन या 1 साल 2 साल में नहीं आने वाला है आपके पास, ये आपकी पूरा माइंडसेट डिसाइड करेगा चीज़ों को, ठीक है, कि आप कितना पॉजिटिव हो, ठीक है, आपको कैसे करना है हर चीज़, अगर आपके साथ बुरा हो रहा है उसको कैसे अच्छा बनाना है, पहले बात तो बुरा होगा, मैंने यार शिकायत करना बंद कर दूँ, ठीक है, शिकायत करना कैसे बंद कर दो बता रहा हूँ, ठीक है, यार हमारे घर में शिकायत बोले मम्मी पापा जो है सोसाइटी, सीधा एक एग्जांपल मिल गया मेरे को, बुरा मत मानना, एक एग्जांपल मिल गया, ठीक है, तो जैसे हम बोल शिकायत करते हैं यार घर सोसाइटी बोलते हैं घर वाले रोकते हैं, तो शिकायत है चीज़ों को शिकायत करना बंद कर दीजिए, क्योंकि शिकायत करेंगे तो चीज़ें बुरा होते जाएगा, ठीक है, जब चीज़ों को शिकायत करते हैं हम ना, हम शिकायत फोकस करते हैं ना, हमारा जो पूरा जो माइंडसेट जो होता है, ठीक है, हमारा जो सोच होता है वो शिकायत पे जाता है ना, तो हमको चीज़ें बुरा मिलना चालू होता है, जैसे कि एग्जांपल है रहस्य है कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, ये आदमी सोचते हैं कि मैं लेट ना हो जाऊँ, ठीक है, लेट हो गई, क्योंकि वो लेट पे फोकस कर रहा है, ठीक है, तो शिकायत पे फोकस ही नहीं करना है,
ठीक है, अच्छा हर लेवल पे। और ऐसा नहीं देखो मैं पढ़ने में कमजोर हूँ, ठीक है, या मेरे साथ ये तकलीफ है, ये है वो है, ये शिकायत करना बंद करो। तकलीफें बहुत लोग साथ में हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफें हैं, ठीक है, ये चीज है आपको बता दूँ। तो पैसा जो है ना, ठीक है, एक माइलस्टोन तय कर दीजिए कि अपने आप को क्या बनना, क्या करना, क्या पाना चाहते हैं। एक चीज है बनना पाना क्या करना चाहते हैं, ये डिसाइड होनी चाहिए साथ एकदम। फ्रेश वाटर की तरह, फ्रेश वाटर की तरह मतलब मेरे को अपने आप को मैं 5 साल बाद 6 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रही हूँ, ठीक है। ये जब एक टीचर बन जाऊँगी मैं, ठीक है, तो मेरे को टीचर बन जाऊँगी, एक लड़की या फिर एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगी तो क्या होगा, सैलरी आएगा, अच्छी जिंदगी चल जाएगी, ठीक है। ये एक माइंड सेट होना चाहिए, चाहे छोटा भी क्यों ना सोचो, लेकिन उसके पीछे गोल सेटिंग होनी जरूरी है, ठीक है। सोचा तो छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन गोल सेटिंग बहुत जरूरी है उसके बीच में, ठीक है। अब कैसे बीच में जरूरी है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं अभी तो जैसा भी थोड़ा सा पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है, लेकिन मैं जो है वो कर लूँगी, क्या कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना या हमेशा सफल वही इंसान हुआ है जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, मेरा मानना है, ठीक है, जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है वो इंसान सफल वही हुआ है, ठीक है। नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब बता रहा हूँ आपको, आप संकोच हो, ठीक है, ये मेरे बात पे अब इसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हो ना, ठीक है, हो ना, है मान्य कोई क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो हाँ तो ये ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखो पढ़ाई जिंदगी बनाने का पैसा से या सपनों से ना पढ़ाई कोई वास्ता ही, पढ़ाई से कोई वास्ता ही नहीं है, इससे पैसा बनाने से या सपना पूरा करने से, पर ये सोचना है कि आपकी सपना कितनी बड़ी है, सपना क्या देखते हो, बताया सपना देखना सबसे आसान है, सपना देखो, मेरा सपना देखे कुछ नहीं होता कि मेरे को भैया एक कार चाहिए, एक बंगलो चाहिए, वहाँ स्विमिंग पूल हो, ठीक है, और गार्डन में चाय पीते रहूँ मैं, ठीक है, नौकर आए, ठीक है, हाइट से आना जाना करूँ, रायपुर से दिल्ली फ्लाइट से जाओ, कहीं विदेश घूमने जाओ, ठीक है, क्या होता है सपने देखने में, पैसा थोड़ी लगता है, सोचो ना बड़ा, ठीक है, सपना देखोगे, ठीक है, तो क्या बुरा है, पैसा नहीं लगता सपनों के सपना देखने में, तो क्या है सोचना जरूर, सपना देखना जरूरी है, ठीक, सपना देखोगे तो क्या होगा ना, आपको उसको पाने की चाहत बनेगा, ठीक है, फिर उसका काम चालू होता है उसके बाद कोशिश है कि आप सपना पढ़े तो देखना चालू करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमको पढ़ाई को उलझा दिया गया, ठीक है, हम बड़ा सोच नहीं सकते, बड़ा कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमको सोसाइटी नहीं करने देगा, मम्मी को नहीं बोल सकूँ, मम्मी 10 साल बाद देखे मुझे गाड़ी नहीं कार, ठीक है, अगर मैं घुमाऊँ, ठीक है, और मतलब घूमे अनौका चाकर नहीं बड़े, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी लाओ, अच्छा जिंदगी चाहिए थोड़ा घूम, मम्मी यकीन नहीं करी, करेंगे मम्मी यकीन नहीं करेंगे ना, खुश लोग, वो मम्मी का कोई यकीन नहीं है तो बाकी लोग कैसे यकीन करेंगे, बोल के देखना मम्मी को, सपना देखो, देख सपना देखना जरूरी है, सपने में पैसा नहीं लगता, ठीक है, सपने देखने में पैसा नहीं लगता, आप अपने आप को बोलो कि भैया मैं जो हूँ ना, मैं अहम होना जरूरी है, ईगो लोग बोलते हैं ईगो नहीं होना चाहिए, मेरे बहुत ईगो है, क्योंकि अपने आप को जो बनाने का मैन्युफैक्चरर, अपने आप को बनाने वाला मैन्युफैक्चरर खुद हुआ, अगर तक बिना ईगो नहीं रहेगा ना तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाओगे अपने आप को, क्योंकि क्या होता है जब बालू होता है ना, बालू से जब घर बनाते हैं मंदिर बनाते हैं, अगीला बालू से हमेशा वो गिर जाता है, गिरता है ना, ठीक है, या और वो बालू में सब सूखा हो, बालू में पानी कम हो, ठीक है, रेती जानते हो ना रेत, उसमें मंदिर बनाएंगे खोदेंगे अच्छा बनता है, क्यों बनता है, उसमें ईगो है, पानी नहीं है, ठीक है, तो आपको अगर अपने आप को मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, थोड़ा सा ईगो लाना पड़ेगा कि मैं दूसरे से हट के दूसरों से हट के हूँ, मेरी जिंदगी कुछ मकसद से, मैं पैदा हुआ हूँ कुछ मकसद से, हुआ हूँ गरीबी में पैदा, लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ करके जाऊँ, ठीक है, ये होना जरूरी है, ठीक है दोस्त, हाँ तो बस मेरी फैक्ट्री वाली बात बता रहा है, और देखिए बताया है, ठीक है, सपना वाली बात बता रहा हूँ, तो सपना देखने में पैसा नहीं लगता, ठीक है मेरे दोस्त, सपना देखने में पैसा नहीं लगता, सोचो रहे हैं कि मैं 2 साल 5 साल बाद घर लूंगा, ठीक है, घर बनाऊंगा, गांव का घर, को सबसे बड़ा घर मेरा रहेगा, कलीजे पार्किंग रहेगा, उसमें गाड़ी खड़ा रहेगा, करके दूंगा मैं, बना के दूंगा, पता कैसे बनेगा, ये करके दूंगा, अरे ना होगा, क्योंकि सपना देखोगे तभी वो वास्तव में वो पूरा होगा, और करने की ठानोगे तब होगा पूरा, अरे सपना देखना जरूरी है, कभी और क्लास में आऊंगा, ठीक है, पक्का दोबारा आऊंगा, ठीक है।
बहुत सारा प्रोसेस बताऊंगा कि सपना को कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो मम्मी को बोल के देखना, ठीक है मम्मी मैं जो है नहीं बोलना जरूरी है, लोगों को बोलना जरूरी है, बोल करके दिखाना और बोलना, क्योंकि आप अपने बोलोगी तब अपने खुद सुनोगी, ठीक है। बोलोगी हमेशा खड़ूस होते नेचर ऐसा नेचर बाय नेचर अंदर नहीं बता रहा हूँ, अंदर नहीं अंदर बहुत सॉफ्ट बता रहा नेचर, क्योंकि पापा जो है थोड़ा सा खड़ूस ना हो ना तो पापा शब्द का मायने भी खत्म हो जाता है, मेरा मानना है, ठीक है। थोड़ा कड़क मतलब जो होते हैं ना पापा घर में नेचर, आपके पापा नहीं है, ठीक है सपना जो है ना आपको बड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि भैया मैं फ्लाइट से मजा कर रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, विकेट मारने जा रही हूँ, जा रहा हूँ घूमने, ठीक है। तो मैं बड़ा सोचने में क्या दिक्कत जाता है यार, अंदर मेरा भी एक घर हो जाए, ठीक है, एक घर हो तो अच्छा घर हो, लाइफ अच्छा हो जाए मेरा यार, ठीक है। मेरे पास में थोड़ा सा ना ऐसो आराम वाला काम आ जाए, ठीक है। सोचो पहले उसको, ठीक है, क्योंकि आप सोचोगे नहीं अगर विचार नहीं करोगे, विचार बनाए जिंदगी, जब तक विचार नहीं करोगे तब तक आपको नहीं मिलने वाला। इसका तीन प्रोसेस होता है, ठीक है। क्या हो तो मांगना पड़ता है, तो मांगे आप ब्रह्मांड को बोलिए या फिर भगवान को बोलिए, ठीक है, भगवान मेरे पास भी कुछ दे दो, मेरे को भी थोड़ा सा घर दे दो, ठीक है, कार दे दो, बैंक दे दो भगवान, जिससे मैं घूमने जाऊँ, ठीक है, कहीं विदेश जाऊँ, कहीं घूमने जाऊँ, कोई दुकान खोलो भगवान, या फिर भगवान मेरे को नौकरी करना है थोड़ा दिमाग दे दो, फिर और जल्दी नौकरी अच्छे से चीज़ों को जल्दी एकदम टैलेंट जल्दी नौकरी लग जाए मेरे को, ठीक है। मेरे को डॉक्टर बना दो भगवान, मैं डॉक्टर हूँ भगवान, ठीक है, मैं अभी डॉक्टर बन गई हूँ बता रही हूँ, ठीक है। बनना बनने से पहले बनोगे तो करोगे वाला बात नहीं, पहले वैसे रियलाइज करो मैं बन चुकी हूँ, क्योंकि रियलाइज जो है ना, ठीक है, बहुत जरूरी है कोई चीज़ को प्राप्त कर चुका होता है। तो पहले क्या होता है मांगना जरूरी, मांगना जरूरी, क्या होता है मांगना जरूरी, ठीक है। तो चीज़ों को ना मांगना सीखो, ठीक है, जैसे कि हम घर मांगते हैं ना, मम्मी खाना ला के दो, मम्मी आज ये बनाना, बिना या ये पैसा दो, मांगते हैं ना हम लोग, हम सब मांगते हैं, मांगने का मिलते हैं ना अपने को, मिलते हैं ना। तो पहले जरूरी है मांगना, बहुत जरूरी चीज़ होता है। आप ब्रह्मांड से बोलो, भगवान को बोलो, भगवान मेरे को एक नौकरी तो दे दो भगवान, ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ, करो आगे भगवान आप तो दो, फिर उसके बाद क्या होता है ना वो प्राप्त, आपको विश्वास हो, विश्वास में जरूरी है, जब चीज़ों को मांगोगे ना तो विश्वास अटूट विश्वास होता है, विश्वास अब नहीं अटूट विश्वास में जरूरी है, एकदम वो चीज़ पा चुकी हूँ, पा चुका हूँ, जो मांगा हूँ मेरे को मिल गया है, भले ना मिले, ठीक है, लेकिन विश्वास होना जरूरी हो चीज़, ठीक है, उसको पा चुका हूँ, फील करना जरूरी है, अरे यार मैं कार ले रहा था, तो कार ले लिया, मुझे वो बहुत बड़ा पेट चाहिए, दीवान चाहिए, ठीक है, और वो वहाँ पर गद्दे में सोया हूँ, बहुत अच्छे से लाइफ चल रहा है, देख रहा हूँ मुझे प्रकाश में चेहरे पर आ रहा है, बड़ा सा घर है, ठीक है, ये थोड़ा महसूस करना जरूरी है, आपको फील करना जरूरी है, चीज़ों को फील करने आना चाहिए आपको सपना देखने के बाद में, ठीक है। तो आज के बाद, आज से अगर आप यहाँ से जाएंगे ना, प्लीज़ आप लोग सपना बड़ा देखना चालू कर दीजिए, सपना तो देखते होंगे, ठीक है, सब कोई ना कोई हर कोई सपना देखता है, ठीक है, कोई छोटा सपना देखता है, कोई बड़ा सपना देखता है, क्योंकि माइंडसेट किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, ठीक है, अगर कोई बुरा वाला बात नहीं, ठीक है, वो सब माइंडसेट पर खेल जाए, ठीक है। तो सपना जो है ना, सपना देखना बहुत जरूरी है, और सपना बिग सपना देखो, और जब विश्वास करोगे तो चीज़ को पा लूँगा, जब कर लूँगा, जब कर लूँगी मैं उस चीज़ को कर के ही रहूँगी, ठीक है। तो आप इतना विश्वास होना चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए उस चीज़ों पर, फिर वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि वो चीज़ हो गए मानना, विश्वास करना, उसके बाद गेट को प्राप्त करना, ठीक है। ये तीन चीज़ होता है, पहले चीज़ों को मांगो, पहले जानो, जब अगर देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक सांप रख दिया, रख दूँ मैं आपको अपने पास में, ठीक है, ठीक है, और बोलो कि जहरीला सांप है, समझना, आपको बताऊंगा तो आपको पता रहेगा कि सांप जहरीला है, लेकिन एक बच्चा रहेगा जो समझेगा, पता है वो जहरीला भी हो तो जरा समझेगा, क्योंकि वो चीज से अनजान है, उसको हम नहीं पता है कि वो जहरीला है, बच्चा नहीं समझ सकता। वैसे क्या होता है ना, आपको ना समझना, मैं बता दिया आपको, क्या भाई बता रहा है, या आपको सीखना है, ठीक है, कि यार बड़ा कैसे करें, एक सपना बड़ा कैसे देखें, ये सपना कैसे देखें, बड़ा तो छोड़ दीजिए, सपना कैसे देखें, तो सपना देखना चालू करो, क्योंकि सपना होना बहुत जरूरी है,
ड्रीम जो है ना, हर इंसान को ड्रीम होना बहुत, ड्रीम मतलब अपने आप को सपना देखना इतना जरूरी है ना, ठीक है। उसके बाद उसको करने का मन करेगा आपको, ठीक है, महसूस करो सपना को, ठीक है। बड़ा जैसे सोसाइटी बोलेगा, मम्मी पापा बोलेंगे, सब बोलेंगे, मेरी वाइफ बोलती है कि यार ये क्या लिखती है, आप क्या लिख के चिपका दिए, ठीक है। शौक उठा है, शौक उठा दिमाग चल रहा था मेरा, ठीक है, घटना शौक उठा है, अब शौक उठा, ए सी बंद किया, ठीक है, और ए सी बंद किया तो फिर टेबल में बैठ गया, ठीक है। लिखने का तो आदत है मेरे को, ठीक है, पढ़ने का भी आदत है, क्योंकि डेली पढ़ने का आदत है, बहुत सारा बुक पढ़ूंगा भी, और आज भी सोता हूँ तो बुक पढ़ के सोता हूँ, ठीक है। तो लिखा उठ के उठा, क्योंकि मैं उठ के सबसे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करता हूँ, ठीक है। जैसे भाई बताया कि हर सफल व्यक्ति दूसरे कुछ अलग ढंग से करता है, तो अपने आप को थोड़ा सा सोचता हूँ कि भाई मैं भी कोई 30 मार्क का से कम थोड़ी हूँ, ठीक है, मैं भी 30 मार्क से कम थोड़ी हूँ, या वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, भाई जब वो बड़ा बन सकता है, ठीक है, हम क्यों नहीं बन सकते, वो भी तो आदमी है ना, उसके बाद भी तो 24 घंटा था ना, उसके बाद भी जो बड़ा किया है दुनिया में, ठीक है, उसके बाद भी 24 घंटा था ना, वो बड़ा कर दिया ना, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी 30 मिनट से कम थोड़ी है, ठीक है। तो उठा मैं, ठीक है, और लिखना चालू किया, मैं रोज बोलता मतलब प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, मैं डेली बोलता था कि भाई मैं जो हूँ मतलब अपने आप को हमेशा भाग्यशाली मानता हूँ, मैं कृतज्ञ महसूस करता हूँ, कृतज्ञ महसूस मतलब जैसे आप लोगों को थैंक यू बोल दे रहा हूँ, जाने के बाद गाड़ी में बैठू जहाँ करता है कंधर, वो आते ही थैंक यू करता जो मेरे को बुलाया, तो मेरे एक आदत अच्छा है कि मैं ना चीज़ों को ना कृतज्ञता महसूस करना जरूरी है, मैं एहसानमंद होता हूँ चीज़ों से, तो पूछा थैंक यू और भगवान, थैंक यू भगवान, अच्छा दिन दिए, तो पूछा थैंक यू सो मच, आज का दिन अच्छा गया और आगे दिन भी अच्छा जाएगा। ये प्रैक्टिकली ये छोटा चीज जो होता है ना, ये बड़ा करने के लिए आपको एक वो जज्बा देगा, ठीक है। तो क्या होता है दोस्त, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों पे ना आपको ना बड़ा बनाएगा, ये जैसे जितने विजेता विजर तो होता है ना, ये सब तो बोला ही विजर ना हर काम को ढंग से करता है, ये काम वही है, ये सारी काम वही है, ठीक है, आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये मेडिटेशन, ठीक है, ये छोटा लिखना पढ़ना, अरेंज ऑफ नॉलेज, अरेंज ऑफ नॉलेज मतलब जहाँ से जानकारी हो वहाँ से इकट्ठा कर लो, ठीक है। जैसे कि मैं आईटीआई का काम करता हूँ, कॉमर्स वाले हैं कोई, आईटीआई फाइल करता हूँ मैं, इनकम टैक्स, मैं कंपनी कंप्लायंस बनाता हूँ, ठीक है, मैं डीसीएमए रिपोर्ट बनाता हूँ, मैं जबकि मेरा बैकग्राउंड जो है ना वो उसका नहीं है, मैं इनकम टैक्स फाइल करता हूँ, 600 इनकम टैक्स फाइल किया 31 जुलाई तक, मेरा 1000 कस्टमर है इनकम टैक्स का, ठीक है। मैं इनकम टैक्स में बहुत अच्छा नॉलेज रखता हूँ, मैं ऑडिट फॉर्म ऑडिटेड फॉर्म कर फॉर्म को ऑडिट करता हूँ, टेलीकॉम जानता हूँ, जबकि मेरा काम जो है वो कॉमर्स का बैकग्राउंड का नहीं है, बैंक में नौकरी किया हूँ, उसके बाद भी आईटीआई फाइल सीए का काम करता हूँ, देश का काम करता हूँ, सीए का बहुत अच्छा इसका टैक्स आता है ना, जिसमें एक आदमी का 8 लाख 11 लाख साल का 1 करोड़ 21 लाख का लेन देन किया, तो आदमी उसमें टैक्स आता 2.5 लाख रुपये का, मैं उसको 73,000 में सेटलमेंट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं अच्छे से, मेरे को बहुत नॉलेज है कॉमर्स का, ऐसा नहीं कि हर चीज़ का नॉलेज है, इनकम टैक्स का काम बहुत बड़ा है मेरा, मैं आईटीआई फाइल करता हूँ ना, मेरे मोबाइल में सिर्फ आपको आईटीआई नहीं दिखेगा, और फोन आएगा भी सैलरी लेकर बैठा ना, भैया मेरा आईटीआई नहीं भेजे आप, भैया नहीं भेजे, हाँ भैया करके दे रहा हूँ आपको आईडिया, ठीक है। तो क्या होता है ना, स्किल जो है ना आपको जो कौशल होता है स्किल, ठीक है, आप हमको सिर्फ ना एक ही चीज़ सिखाया जाता है, ठीक है, इंडियन कल्चर में कि हमको नौकरी करना है, ठीक है, हमको सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, स्किल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपने स्किल ले आइए, अपने आप को 3-4 चीज़ों से नॉलेज, अपने आप को सुंदर बनाना है ना, तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कॉमर्स का बहुत अच्छा जब कॉमर्स को बहुत अकाउंटिंग बहुत अच्छा जानता हूँ, मैं सी ए रिपोर्ट बनाता हूँ, जो सी ए बनाता है ना, सी ए काम पूरा पूरा सी ए का काम करता हूँ मैं, हाँ जी बोलिए, आईटीआर अनिल अग्रवाल सबके पास, ठीक है, आईटीआर काम करता हूँ मैं, इनकम टैक्स फाइल करता हूँ मैं, ठीक है, एक एक सेक्शन याद है मेरे को, ये ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, अगर आपको सीखना है ना चीज़ों को ना, एक जगह सीमित मत रहिए आप, ठीक है, निकलिए, ठीक है, और फिर चलाइए बंदूक जहाँ जहाँ मारना है, तो सीखना हर जगह है, आप हर जगह सीख सकते हो, ठीक है। तो मेरा बोला है कि मैं साइंस बैकग्राउंड से रहा हूँ, एल एल बी कर लिया, बताइए अब मैं 8 साल स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, ऐसे टॉकिंग बन गया, कहाँ से आया दिमाग, तो एल एल बी कर लिया मैं, अभी तो लोग बोलते हैं, मेरी वाइफ बोलती है कि एल एल बी कर लिए यार, साइंस पढ़ के इंडस्ट्री करने का एल एल बी कैसे यार, क्या दिक्कत है, ठीक है, बैंक में तो बैंक नौकरी भी कर रहा हूँ, कॉमर्स नहीं, वो तो नहीं बोल रही है, ठीक है, बैंक नौकरी
को रह करके ठीक है पहले आईसीसी का काम किया और आंसर ठीक है आंसर मेंजर पाने का काम किया तो इतने ही बोल रहे कि बैंक में नौकरी का अलाउ करके ठीक है वो क्वेश्चन होते रहता है ठीक है क्योंकि हमारे घर में सबसे बेस्ट दोस्त है मेरी वाइफ ठीक है मेरा सबसे अच्छा क्योंकि उनसे ही मेरा चेहरा चलता है ठीक है तो क्या होता है ना पूरे यार ये समझ में नहीं आता तो क्या करना चाहते हो सोच पब्लिक तेरे को समझ में नहीं आता तुम्हारे को सब समझ में आता है मैं बोलता हूँ कि यही तो हूँ मैं किसी को समझ में नहीं आऊँगा तब तो धन कराऊंगा भैया मैं लेट में पहुँचू किसी को चार दिन का समय दूँ ना जाऊँ जानपुर के लिए जाता हूँ मैं इसे आया लेट में चाहता तो यहाँ आ सकता था लेकिन क्योंकि मेरे को काम का फोन आ गया था इसलिए लेट हो गया क्या होता है ना एक सेलिब्रिटी को जानते हीरो हीरोइन को एक नेता को वो कभी डायरेक्ट पहुँचता है क्या क्यों नहीं पहुँचता पता है पीछे साइकोलॉजी है क्यों नहीं पहुँचता है बता दो पीछे अगर वो डायरेक्ट पहुँच जाएगा तो उसकी इम्पोर्टेंट कहाँ है ठीक है वो लेट में ही जाएगा जान कुछ क्लिप करेगा अच्छा हीरो कोई हीरो कोई प्रोग्राम में बुलाया वो गया बस ठीक है गया अपना प्रेजेंस दिया फिर निकल गया अगर नहीं निकलेगा तो उसको कोई नहीं बुलाएगा वहाँ रुक जाएगा ठीक है तो अपने आप को ना सेलिब्रिटी मान के चलो मैं बहुत अच्छा हूँ ठीक है और मैं सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हूँ मैं हीरोइन से कम थोड़ी हूँ मैं हीरो से कम थोड़ी हूँ मैं अलग ऊर्जावान हूँ मैं मेरे लिए एक अलग एनर्जी है ठीक है मैं एक अलग अलग ही इंसान हूँ ये सुनना चालू कर दो मैं लोगों से हट के हूँ